नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वैल्यूबल वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक नई गाड़ी लेकर आया हूँ, किया की सेल्टॉस, जो कि अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है। आपको पता ही होगा पूरा इसमें काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस कर दिया गया है, बहुत कुछ आपको नए फीचर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। गाड़ी का लुक आप देखेंगे तो बहुत ही आपको डिसेंट लुक इसको मिलने वाला है, काफ़ी स्टाइलिश आपको फ्रंट का लुक मिल जाएगा। साइड का लुक भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको जो है काफ़ी स्टाइलिश जो आपका फ्रंट का लुक आपको जो इसके अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप रियर से भी देखेंगे तो गाड़ी का रियर का लुक काफ़ी आपको जो है बहुत ही बेहतरीन आपको मिलने वाला है, तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा साइड में घंटी वाला, उसको भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तो समय समय पर आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वहाँ भी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, जिससे ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हैं, अब ये आपको डीजल वाला वेरिएंट मिल रहा है। इसके अंदर आपको जो पेट्रोल वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाता है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और इसमें आप जो है आईएमटी वाला मॉडल, ये आप जो पर्टिकुलर मॉडल देख रहे हैं डीजल टर्बो का 1.5 लीटर डीजल टर्बो वाला डीजल इंजन है, जो वेरिएंट है वो HTX प्लस वाला वेरिएंट है ये वाला। और इसमें आप चाहो तो ऑटोमेटिक वाला भी ले सकते हो, आप वो भी इसमें ले सकते हो। और ये डीजल वाला मॉडल है, और HTX प्लस जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, वाइट कलर भी देखने में काफ़ी प्रीमियम आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। गाड़ी देखने में ब्लैक कलर में भी काफ़ी जो आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रही है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो है कोई भी कलर आप ले सकते हैं। इसमें आपको 8 कलर मिल जाते हैं अलग अलग, अपनी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी कलर जो अपने मनपसंद कलर जो है वहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। शुरुआत इसकी मैं चाबी से करना चाहूँगा। पहले आप चाबी देखेंगे तो कुछ प्रकार की आपको उसकी गाड़ी की चाबी मिलने वाली है, पीछे किया का लोगो मिल जाएगा, और काफ़ी बेहतरीन स्टाइलिश चाबी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखते हैं, ऊपर से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लॉक मिल जाएगा, अनलॉक मिल जाएगा, यहाँ पे इग्निशन ऑन का यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए भी यहाँ पे स्विच इसका मिल जाता है, तो कुछ प्रकार की आपको काफ़ी बेहतरीन और स्टाइलिश चाबी आपको जो यहाँ पे मिलने वाली है। फ्रंट से देखेंगे तो गाड़ी का लुक काफ़ी बेहतरीन आपको फ्रंट का लुक आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े वाइपर्स आपको जो है मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको किया की ब्रांडिंग आपको जो बोनेट पे देखने को मिल जाती है। फ्रंट पे आप देखेंगे तो पूरी आपको यहाँ पे क्रोम का टेक्सचर आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल आपको जो देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी स्टाइलिश आपको जो है यहाँ पे नज़र आने वाली है। उसके ग्रिल के नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी पूरा आपको क्रोम का टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात बता दूँ, उसके जो LED DRLs आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरी यहाँ तक इसमें यहाँ तक आई हुई है। इसकी वजह से जो ग्रिल है आप देख सकते हैं यहाँ तक, इसके यहीं तक आपको मिलने वाली है, यहाँ से यहाँ तक पूरी LED DRL काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको जो है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको जो है मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश आपको जो यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर्स आपको जो मिल जाते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं आइस क्यूब स्टाइल में आपको चार हाउसिंग में आप आइस क्यूब स्टाइल में आप यहाँ पे इसके फॉग लैंप्स आप जो देख सकते हैं, ये भी आपको जो है LED में ही मिलने वाले हैं। पहले जो इसमें 3 आते थे, अब इसमें आपको 4 जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में इसकी जो इसका पूरा आउटसाइड है, ये पूरा आपको जो है बॉर्डर जो है इसका, वो आपको ये पूरी हाउसिंग जो आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी बेहतरीन और स्टाइलिश और प्रीमियम आपको नज़र आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको 4 रिवर्स पार्किंग आपको फ्रंट के जो है सेंसर्स आपको जो मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे भी एक आपको ग्रिल मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट आपको जो है मिल जाती है। तो किस प्रकार से आप इसका फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन और स्टाइलिश आपको जो है नज़र आने वाला है। साइड से भी देखेंगे तो गाड़ी का साइड का लुक आपको काफ़ी स्टाइलिश आपको नज़र आएगा। किया जो सेल्टोस जो है वो हमेशा से सबकी मनपसंद गाड़ी रही है, SUV रही है, और इसका जो इसकी जो रोड पे जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बेहतरीन आपको इसके अंदर फील करवाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात आपको पैरानोमिक सनरूफ आपको जो मिल जाती है, जिसकी हमेशा से डिमांड रही है, तो इस बार आपको पूरी पैरानोमिक सनरूफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं आपको शार्क फेक एंटीना आपको जो मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो ड्यूल टोन कलर में आपको यहाँ पे रूफ रेल्स आपको जो है मिल जाती है। बी पिलर आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है, और ओरियम्स की अगर बात करेंगे तो बॉडी कलर ओरियम मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर भी आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो आपको क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, आप चाहे तो मैनुअली भी इसको लॉक और अनलॉक इसको कर सकते हैं। तो कुछ प्रकार से आप जो है इसकी साइड की लुक आप जो है डोर पे देख सकते हैं, काफ़ी जो है यहाँ पे स्टाइलिश आपको पूरा लुक आपको जो है नज़र आने वाला है। नीचे आप देखेंगे अगर टायर की साइज़ की बात करेंगे तो गुड़ियर के टायर आपको मिलने वाले हैं, और अगर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 215/60 R17 इंच के आपको क्रिस्टल जो है आपको एलोविल्स आपको जो मिलने वाले, देखने भी काफ़ी स्टाइलिश आपको जो यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। यहीं आप देखेंगे तो ब्रेकिंग की बात करेंगे तो आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक आपको जो मिल जाते हैं, और वहीं अगर हम जब रियर में आएंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। कुल मिला के आपको चारों ही जो टायर्स हैं उसमें आपको फ्रंट में रियर में आपको जो है डिस्क ब्रेक आपको जो है मिलने वाला है। नीचे आप देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, करीब 190 mm का आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो मिल जाता है, जिससे जो है गाड़ी सड़क ऊपर खापर सड़कों पे गाड़ी इजीली जो है कैसी भी सड़क पे गाड़ी इजीली निकल सकती है। तो इसका जो आपको जो फील आने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन आपको जो इसका फील मिलने वाला है, बेहतरीन SUV का फील आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो फ्रंट साइड का लुक देखेंगे तो काफ़ी आपको कुछ प्रकार से साइड का लुक आपको जो है मिलने वाला है। फ्रेंड्स अब वहीं अगर रियर से भी देखें तो रियर से भी गाड़ी का लुक काफ़ी बेहतरीन आपको जो नज़र आने वाला है। ऊपर आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको शॉक वेव एंटीना मिल जाता है, ब्लैक पियानो फिनिश में आप देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है स्पॉइलर आपको जो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपको डिफॉगर आपको जो है यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर आपको जो मिल जाता है, बीच में आपको किया की ब्रांडिंग मिल जाती है, और LED जो है टेल लैंप्स आपको जो मिल जाती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको टेल लैंप्स देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी स्टाइलिश आपको जो और काफ़ी खूबसूरत जो है नज़र आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप इंडिकेटर्स देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर आपको जो नज़र आने वाले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी डिज़ाइन है काफ़ी बेहतरीन आपको जो यहाँ पे नज़र आने वाली है। नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लैंप आपको जो मिल जाता है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे IMT है, जो कि IMT वाला मॉडल है, इसलिए आपको IMT की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको सेल्टोस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे नीचे तरफ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे तरफ रियर कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाते हैं। रियर बम्पर की बात करेंगे तो आपको जो यहाँ पे मैटी ब्लैक और पियानो ब्लैक कलर में आपको जो 2 कलर्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखने में काफ़ी जो प्रीमियम नज़र आता है। पीछे आप देखेंगे तो आपको रिवर्स लाइट और एक रिफ्लेक्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक स्किड प्लेट सिल्वर कलर में नज़र आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर आपको जो फील करवाती है। पीछे की तरफ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको जो देखने को मिल जाता है, और कुछ प्रकार से आप नीचे का सस्पेंशन का सेटअप आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ प्रकार से आपको जो है रियर का लुक आपको जो है यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डीजल टैंक मिल जाता है। डीजल टैंक की बात करेंगे तो 50 लीटर्स की डीजल टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाती है, और यहीं पे आपको AdBlue का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी आप यहाँ से यूरिया भी इसमें भरवा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आप यहाँ से एक ही जगह आपको दिया गया, तो आप यहीं से इसमें भरवा सकते हैं। इसको पूरा यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे। माइलेज की बात करेंगे तो करीब आप मान के चलिए कि 20 से 21 के बीच में आपको इसका अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। आप आराम से इसमें टैंक डीजल को फुल करवा के टैंक को और लॉन्ग रूट पे कहीं भी इसमें जा सकते हैं। गाड़ी का देखेंगे लुक काफ़ी ओवरऑल जो लुक है इसका काफ़ी बेहतरीन आपको जो है इसके अंदर मिलने वाला है। एक बार इसका बूट ओपन करते हैं और बूट में देखते हैं कि हमें बूट के अंदर कितनी जगह मिलने वाली है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच आपको मिल जाएगा, इसको दबाने के बाद आप इजीली बूट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रकार से इतनी बड़ी आपको जो अंदर बूट स्पेस मिल जाती है। ये पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। सीट की देखेंगे तो आपको 60-40 जो रेशियो में स्प्लिट रेशियो सीट मिल जाती है, जिससे अगर आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है आप तो आप अपना और एक्स्ट्रा सामान, अगर पास ज़्यादा सामान है तो आप अपना एक सीट को फोल्ड करके अपना और भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करेंगे तो 433 लीटर का आपको 433 लीटर्स का काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। बड़े बड़े बैग्स और सूटकेस यहाँ पे आराम से इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक अंदर जो बूट में लाइट मिल जाती है, नाइट लैंप आपको मिल जाता है, जिससे सामान नाइट में भी रखने और चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इसको जैसे ही आप उठाएंगे तो यहाँ पे स्पेयर व्हील की जगह आपको जो है मिल जाती है, और यहाँ पे अगर स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो ये 16 इंच में स्टील रिम के साथ आपको जो है स्पेयर व्हील मिलने वाला है, एक साइज छोटा आपको जो है मिलने वाला है। यहाँ पे आपको टूल किट और ट्रायंगल वगैरह आपको यहाँ पे पीछे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाता है। इसको जैसे ही वापस यहाँ पे बंद करेंगे तो ये पूरा आपको लंबा चौड़ा बूट स्पेस आपको जो है मिल जाता है। तो फ्रेंड्स सामान रखने के लिए भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो इसको एक बार बंद कर लेते हैं, कुछ प्रकार से ये यहाँ से बंद हो जाता है। तो एक बार अंदर चलते हैं और अंदर से भी देखते हैं कि हमें अंदर जो है इंटीरियर में क्या क्या मिलने वाला है।
सबसे पहले हम जो है रियर का डोर ओपन करेंगे, और रियर का डोर ओपन करते ही आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपको जो है रियर में सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो कर्टन आपको जो मिल जाता है धूप वगैरह का, अगर आपको बचाव करना होता आप इसको इजीली यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा पूरा आपको ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा आपको जो देखने को मिल जाता है। सिल्वर टच में आपको जो डोर का ये लॉक आपको मिल जाता है। इसके अलावा पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको डोर बंद करने यहाँ पर हैंडल मिल जाता है, और ये पूरा पूरा आपको लेदर रैप्ड आपको सॉफ्ट टच आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। कैमल कलर में आपको यहाँ के पूरा मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाटर होल्डर की जगह मिल जाती है, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। बोस का स्पीकर्स आपको जो मिल जाते हैं, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। इसका म्यूजिक सिस्टम का जो साउंड है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर फील करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्टोस की बैजिंग आपको जो ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर सीट्स की बात करेंगे तो पूरी पूरी आपको लेदर सीट्स आपको जो मिलने वाली है, और सीट बेल्ट देखेंगे तो आपको 3 सीट बेल्ट्स आपको जो मिल जाती है। सेफ्टी फीचर का भी पूरा पूरा इसमें ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है तो आप यहाँ पे इसको आर्मरेस्ट मिल जाता है, आप चाहो तो इसको यहाँ से इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये प्लास्टिक से पैक है तो उसको मैं खोल नहीं पाऊंगा, और अंदर आपको 2 कप होल्डर्स भी आपको जो मिल जाते हैं। ज़्यादा लोग नहीं है, अगर आप 2 जने हैं तो आप इसको बीच में से आर्मरेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अंदर बैठ के देखेंगे तो आपको अंदर जो स्पेस है आप देख सकते हैं, न्यू रूम काफ़ी जो है अच्छा खासा आपको जो इसके अंदर न्यू रूम मिल जाता है, और यहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट दे सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी ठीक ठाक अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे इसके हेडरूम की तो आप देख सकते हैं हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, तो कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ भी आपको एक रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ भी मिल जाएगा, इसके अलावा एक आपको रीडिंग लैंप आपको LED में ही मिलने वाला है, यहाँ भी आपको रीडिंग लैंप आपको जो है मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एयर प्यूरीफायर भी आपको यहाँ मिल जाता है, वायरस प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और नीचे के आप देखेंगे तो रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। पीछे आपको देखेंगे आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे जो है ईजिली यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो कुछ प्रकार से आपको अंदर का जो केबिन देख सकते हैं, काफ़ी अंदर का स्पेशियस केबिन आपको जो मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक देखेंगे तो कुछ प्रकार से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड, कुछ प्रकार से आप अंदर का जो बेहतरीन सा अंदर का इंटीरियर आप जो देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आपको जो अंदर का इंटीरियर आपको जो मिलने वाला है। सबसे पहले ड्राइवर जो है यहाँ पे ड्राइवर डोर की साइड की बात करेंगे तो कुछ प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको मिलने वाला है। सेम टू सेम यहाँ पे आपको जो है पूरा ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको फिनिशिंग मिल जाती है, जो प्रीमियम फील करवाती है, बहुत ही शानदार प्रीमियम फील करवाती है। और यहाँ पर आपको पूरा पूरा जो है सिल्वर टच आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्विटर आपको जो मिल जाता है, नीचे आपको बोस का स्पीकर आपको मिल जाता है, बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है, साइड में आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा पूरा जो सॉफ्ट टच मिल जाता है, लेदर रैप्ड आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपने छोटे मोटे कॉइन्स वगैरह यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। आइसवेक्स जो चाइल्ड सीट है उसका जो लॉक आपको मिल जाता है, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो ओरियम्स है आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाबी में ही इलेक्ट्रॉनिक जो फोल्डेबल इलेक्ट्रिक फोल्डेबल आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन आपको इसके अंदर फीचर्स आपको जो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं फुटरेस्ट, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग आपको जो ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कैप है उसको ओपन करने के लिए उसका लीड आपको यहाँ पे मिल जाता है। बोनट ओपन करने के लिए आपको उसका लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चूंकि ये IMT वाला मॉडल है इसमें, इसलिए आपको क्लच और सिर्फ ब्रेक आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको डेड पेडल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्विचेस की बात करेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच आपको मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे आपको हेडलैम्प का लेवल आपको यहाँ से एडजस्ट जो है कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सीट्स की बात करेंगे तो आपको दोनों की दोनों, सबसे पहले बता दूं कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको जो है यहाँ पे मिलने वाली है, जिससे लॉन्ग जर्नी में भी आपको जो पीछे कमर में वगैरह जो पसीने की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सीट्स काफ़ी चौड़ी है, बेहतरीन आपको जो अंडर थाई सपोर्ट आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ लेदर रैप सीट्स आपको मिल जाती है, साइड में आपको हल्की सी फैब्रिक्स की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सारे के सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं, अपने हिसाब से आप हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 8-way एडजस्टेबल आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आपको जो सीट जो है यहाँ पे जो एडजस्टेबल मिल जाता है, आप अपने हिसाब से 8-way एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली, और आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टर भी आपको मिल जाता है। तो कुछ प्रकार से आप जो है इसकी सीट्स के फंक्शंस आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर बहुत ही
खूबसूरत इंटीरियर मिलने वाला है, काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है। ऊपर से अगर शुरुआत करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइजर मिल जाता है, टिकट होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके साथ साथ यहाँ भी आपको वाइजर मिल जाता है, एक मिरर आपको जो वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो जो है अंदर रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है जो कि LED में ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो सनग्लास होल्डर आपको जो मिल जाता है, माइक आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्पीकर्स का और माइक मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ को आप यहीं से जो है इसको ओपन कर सकते हैं, तो कुछ प्रकार से आपको अंदर का जो फील आपको जो यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो आप चाहो तो इसमें आपको जो वॉइस कनेक्ट भी आपको मिल जाता है, वॉइस से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और वापस को दबाएंगे स्विच को तो आपकी पैनोरामिक सनरूफ वापस ऐसे क्लोज हो जाएगी। ये भी आपको ऊपर का जो कवर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है बंद हो जाता है। IRN के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी SOS का स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक किया कनेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑटो आपको IRVM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ प्रकार से आप जो है यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं 10.25 इंच की और 10.25 इंच की आपको जो अलग अलग जो यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिल जाती है। ये अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो टच स्क्रीन में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ऑप्शन मिल जाता है, USB का जो यहाँ पे आप यहाँ से USB भी जो कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और बहुत सारे ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। नेविगेशन वाला ऑप्शन इसके अंदर आपको जो मिल जाता है, तो बहुत सारे जो है जो यहाँ फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे नेविगेशन वगैरह आप देखते हैं। बहुत पहले सबसे पहले बता दूँ इसका जो टच है वो काफ़ी सॉफ्ट आपको जो है मिलने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आप सर फोन की कनेक्टिविटी आप यहाँ देखते हैं, फोन प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, वॉइस डेमो मोमो आप यहाँ देखते हैं, मीडिया की सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे आपको, सारी की सारी सेटिंग्स, मैप की सेटिंग आपको मिल जाती है, तो बहुत सारे जो किया कनेक्ट आपको जो मिल जाता है, तो बहुत सारी जो यहाँ पे आपको सेटिंग्स आपको मिलने वाली है, बहुत ही बेहतरीन इसका टच आपको मिलने वाला है, बहुत ही यहाँ पे आपको रेडियो भी आपको मिल जाता है, FM मिल जाता है, तो बहुत सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। आप यहाँ पे जाके अपने सेटिंग्स वगैरह जो देख सकते हैं, व्हीकल देख सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन वो आपको मिल जाता है, यूज़र प्रोफाइल आपको यहाँ मिल जाती है, डिवाइस कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो कुल मिला के बहुत सारी सेटिंग्स आपको उसके अंदर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसको वापस अगर हम बैक जाएंगे तो इस प्रकार से आप वापस यहाँ पे इसको बैक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हैजर लैंप का स्विच आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको AC वेंट्स आपको जो है काफ़ी बेहतरीन स्टाइल में आपको AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक AC आपको जो है मिल जाता है, रियर डिफॉगर आपको अगर यहाँ से यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको जो है ऊपर आपको बता देता हूँ, आपको सबवूफर आपको मिल जाता है एक और यहाँ पे, जो इसका साउंड काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हार्ड आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको मिलने वाला है, और ये पूरा आप कैमल जो कलर में आप देख रहे हैं बेज कलर में, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच आपको जो मिलने वाला है, काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है। जैसे मैं पहले बताया था आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो वगैरह का पूरी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, और मैप वगैरह नेविगेशन वगैरह आप यहाँ से जो है यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर की जगह आपको यहाँ पे अंदर मिल जाती है, यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाता है, छोटा सा स्पेस वगैरह मिल जाता है, अपने मोबाइल वगैरह और भी कोई सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 गियर आपको जो है ट्रांसमिशन गियर लीवर आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड के आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया कि सीट के अंदर आपको वेंटिलेटेड वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो वेंटिलेशन सीट ऑन ऑफ करने के लिए आप यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये ड्राइवर सीट की जो सीट है वो जो है ऑन हो गई है वेंटिलेशन, आप चाहो तो वेंटिलेटेड सीट आप ड्राइवर साइड की सीट देखें को ड्राइवर साइड देखेंगे तो ये भी ऑन हो गया। आप देखेंगे जो सीट है वो देखिए ये अंदर हल्की हल्की सी जो है हवा फील होती है, जो आपको पसीना वगैरह नहीं आएगा। आप चाहो तो इसको वापस यहाँ से बंद आप कर सकते हैं, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो ऐसे ये पूरा आपको बंद ऐसे हो जाएगा, तो काफ़ी बेहतरीन फीचर आपको जो इसके अंदर मिलने वाला है। 360 जो रियर कैमरा अगर आपको देखना है तो आप इसको दबाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे रियर कैमरा आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन आपको जो यहाँ पे मिलने वाली है, आप इसको जैसे ही आप दबाएंगे तो ये पूरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे आप देखते हैं आपको हैंड ब्रेक का आपको लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट टच में मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको जो लीवर दिया गया इसको दबाएंगे ऐसे तो इसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अंदर आपको किया की जो है यहाँ पे ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की, तो आप देखते हैं आपको जो फ्लैट बॉटम में आपको जो स्टेयरिंग मिल जाता है डी कट में, यहाँ पे आपको पूरा सिल्वर जो टच आपको जो दिया गया है, बीच में किया की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, एयरबैग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक एयरबैग आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सीट्स में भी आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे। सेफ्टी की बाहर चलेंगे तो सेफ्टी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको जो ड्यूल टोन हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे आपको आप देखेंगे पूरा आपको जो है राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के स्विच मिल जाते हैं,
और यहाँ पे जो अंदर क्लस्टर के जो अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है उसके भी जो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको जो है यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की अगर एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको इसमें टिल्ट स्टीयरिंग और टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन जो है दोनों आपको इसके अंदर मिल जाता है। अपने हिसाब से आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ प्रकार से आपको जो है अंदर का एंट्री मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। आप देखते हैं पूरा पूरा आपको जो है डिजिटल क्लस्टर आपको जो मिल जाता है। यहाँ पे बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, 240 की मैक्सिमम स्पीड मिलने वाली है। डीजल टैंक का जो गेज आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो गियर आपको यहाँ पे कौन सा गियर है आप यहाँ पे जो है गियर आप यहाँ पे देख चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है मोड आपको जो मिल जाता है बैटरी आप देख रहे हैं 77% आपको बैटरी मिल जाती है। किलोमीटर्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा कितने किलोमीटर गाड़ी है वो भी जो है चल रही है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में बहुत सारी डिस्प्ले जो सेटिंग्स आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पूरा पूरा। इसको आप जैसे दबाएंगे यहाँ से आप देखते हैं पूरा पूरा आरपीएम वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में आप देखते हैं आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टाइमिंग मिल जाता है, किलोमीटर मिल जाता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिफिलिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, गाड़ी कितना किलोमीटर चल जो चल सकती है, जितना पेट्रोल इसके अंदर डीजल है। और आपको टाइमिंग वगैरह आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी की सारी जो सेटिंग्स आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले में आपको जो है मिल जाती है। तो कुछ प्रकार से आपको जो अंदर की इंटीरियर आपको जो देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर की। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है सेफ्टी फीचर्स भी आपको जो मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट यानी VSM मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है यानी HAC मिल जाता है, 4 एयरबैग्स आपको जो है मिल जाते हैं, ABS आपको जो है मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट सिस्टम यानी BAS आपको मिल जाता है, ऑल व्हील सभी जो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आपको जो इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो है ESS मिल जाता है यानी एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जो है वो मिल जाता है। और आपको टायर प्रेशर मॉनिटर आपको मिल जाता है, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा जैसे आपको सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, स्पीड सेंसिंग डोर, ऑटो डोर लॉक्स आपको जो मिल जाते हैं। तो बहुत सारे जो आपको इसके अंदर जो है सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ साथ में आपको उसके अंदर फ्रंट और रियर में ऑल सीट 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स विद सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको जो मिल जाता है। तो बहुत सारे जो इसके अंदर आपको जो सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी के मामले में भी गाड़ी में किसी प्रकार की कोई भी कमी होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंजन की, एक बार बोनट खोल लेते हैं फिर हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ प्रकार से आप इसका इंजन का रूम आप जो देख सकते हैं, ऊपर आप देखेंगे तो आपको इंसुलेशन मिल जाती है, बोनेट पे काफ़ी हैवी बोनेट आपको जो है मिलने वाला है। यहाँ पे आप अगर इंजन की बात करेंगे तो इसमें 1.5 लीटर CRDI 1493 CC का आपको डीजल टर्बो डीजल इंजन आपको जो मिल जाता है। और अगर पावर की अगर बात करेंगे तो 114 BHP की पावर मिल जाती है और करीब 250 न्यूटन मीटर का आपको उसके अंदर जो टॉर्क आपको जो है मिल जाता है। तो फ्रेंड्स के अंदर आपको 6 गियर और जो IMT और 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जैसी चॉइस के अनुसार आपकी सुविधा हो वैसा वाला इसमें से जो ऑप्शन इसमें गाड़ी का जो मॉडल आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी जो एक्शोरूम प्राइस है वो 18,29,000 के आसपास की जो एक्शोरूम प्राइस है। और अगर ऑन रोड कीमत की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में जो है जो ऑन रोड जो कीमत है वो 21,83,000 यानी 21,83,000 के आसपास ऑन रोड कीमत जो है जोधपुर राजस्थान में इसकी होने वाली है। बाकी जो ऑन रोड कीमत है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्राइस जो ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप अपने वहाँ पर जाके जो डीलरशिप में जो पता कर सकते हैं। और फिलहाल अगर आप जोधपुर राजस्थान में रहते हैं तो आप आ सकते हैं कुंभट मोटर्स जो कि जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है, बासनी लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अपने जो सारी डिटेल्स आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इनसे जो कॉन्टैक्ट करके अपना कोई भी जो मॉडल यहाँ से जो किया का प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, जिससे वीडियो की जो वैल्यू है वो सभी तक पहुँच सके। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन जो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। इसके अलावा फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड जय हिंद।